It's very deep. But otherwise this one. The original time we have given what time? 2:30. What's the rest of the time? Hello. आपने सारी तो बिकॉज पहले से थोड़ा हम लेट चल रहे हैं ज्यादा ना बोलते हुए हमें आगे की कार्रवाई के लिए हमारे एसी साहब को आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर मार्के सिंह जी दक्षिण हरियाणा के श्री धन्य जम के मिस्टर अशोक कार्यक्रम लगाते हुए सर इतना ही मैं आप लोगों को संक्षिप्त में पहले बोल के फिर मैं आज आपकी बात सुनने के लिए जा रहा हूँ अपनी बात बताने के लिए इतना नहीं ये एरिया साथ में ज़्यादा अंधेरा हो जाता तो वो हमें चेंज किया था 6:30 से देते हैं शाम को बिजली गाँव में और 11 घंटे देते हैं 6:30 सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू ये है कि ये जो शेड्यूल है ये मेनटेन हो नंबर वन नंबर दो जो आपकी कंप्लेंट उसके बावजूद भी अगर हैं या कोई तरीका हम ऐसा बनाए जिससे कि आप जल्दी आपकी शिकायत तुरंत दर्ज भी हो जाए दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मकसद है और उसके अलावा इसके लिए आप खुद सक्षम हैं लेकिन यहाँ आपको जरूरत पड़े सीएम साहब से बात करने की जानते हैं कि लगातार आज प्रदेश की सरकार की ये मंशा है कि जहाँ भी स्टाफ की कमी है चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो पुलिस विभाग हो उसी तरीके से बिजली के विभाग में भी बहुत कर्मचारियों की कमी है उसका प्रोसेस जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो पद हैं वो भरे जाएंगे और उसके माध्यम से जो सेवाएं हैं आम आदमी के लिए वो बेहतर हो सकेंगी और आज बिजली के खास तौर से हमारे यहाँ पर CMD साहब आए दूसरे सभी अधिकारी आए हैं और जो बातें यहाँ पर रखी गई उनका उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से इन चीज़ों का समाधान हो ढानियों की लाइट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई और बड़े विस्तार के साथ और कई बार हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर या दूसरी चीज़ों का कई बार अभाव होता है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक मैं समझता हूँ कि बहुत सफल मीटिंग हुई है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से आज की ये मीटिंग रही कि आने वाले समय में बिजली की जो समस्याएं हैं चाहे वो शेड्यूलिंग की बात हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो इनका समाधान अच्छे तरीके से निकले कि जो शेड्यूल हमने अनाउंस किया 11 घंटे एग्रीकल्चर और उसके अलावा 18 घंटे इंडस्ट्री और 20 घंटे अर्बन की इसको मेंटेन ग्राउंड लेवल पे किया जाए ये हमारी कोशिश है जिससे कोई लोकल प्रॉब्लम सिस्टम कंस्ट्रेंट्स मुद्दे शुड बी रिमूव्ड सो दैट जो शेड्यूल है वो पूरा मिले ग्राउंड लेवल पे और जहाँ तक आगे की बात मैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे अगले 2 साल के अंदर हमारा तकरीबन ये स्थिति होनी चाहिए गाँव में हम धीरे धीरे बढ़ा के 11 से 15 या 15 से 20 घंटे तक भी बिजली दे पाएँ और साथ में इंडस्ट्री और अर्बन को भी अभी 20 है तो 20 का 22, 22 से आगे 24 तो हमारा मकसद ये कि अगले 2 साल के अंदर अंदर सप्लाई आवर्स इस तरह से बढ़ाएं अपने सिस्टम को इस तरह से मजबूत करें कि हम गांव में शहर में प्रैक्टिकली 24 घंटे बिजली दे पाएं कम से कम गांव में धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेकिन शहर इंडस्ट्री और अर्बन के लिए पूरी सप्लाई दे पाएँ ढानियों का तो पॉलिसी है जैसे कि मान लिया गाँव की जो ढानियाँ हैं उनमें अगर 50% पैसा वो जमा करा देंगे तो रूरल सप्लाई जैसे औरों को मिलती है उनको मिलेगी तो जहाँ भी इस तरह की मैंने बोला भी वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे व्यक्तिगत तौर पे जहाँ पैसे जमा है और काम नहीं है उनको स्पीड अप करके हम तुरंत उसको खत्म करवाएंगे आज की बैठक में काफी जो समस्या है इनके लिए अब क्या अधिकारियों किस तरह निर्देश दिए गए जो भी है समस्या सारी नोटेड है उसके बकायदा मिनट्स बनेंगी एक एक चीज पे लिखा जाएगा कब तक ये पूरा होगा उसकी टाइमलाइंस के हिसाब से मॉनिटर करके विल इंश्योर कि हर समस्या का निवारण हो एक महत्वपूर्ण चीज देखने में आती है इसको थोड़ा सा बिजली विभाग के जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारी गण आए हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी के साथ इस चीज को हैंडल करें और अगर कहीं इम्प्रैक्टिकल बातें भी होती हैं वो भी हम सब जानते हैं कि कई बार आदमी आता है बोलेगी हम आपके पास आए इसलिए कि ये काम होने वाला नहीं है कई बार इस तरह की भी बात होती है लेकिन उसमें हम लोगों का सपोर्ट नहीं है जो चीज़ होने वाली है उसको हम स्पीड अप करके डिलीवर करें ये हमारी कोशिश है लेकिन उनका जनरल एक शिकायत रहती है कि ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और कई बार हम यहाँ पर कई अधिकारी बैठे भी होंगे जिनसे फोन पे हमने फिर बात की ये पर्टिकुलर गाँव इस बस्ती में ये आप एक बार दिखवाइए तो अगर इस तरीके की कोई मीटर में गड़बड़ है या क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा सा उन बस्तियों में जाकर के हम थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ बताएं कि भाई ये कारण है जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि हर गांव को हम भी एड्रेस नहीं कर सकते।